राम राम भाई। तो ये है हमारी आम रेस्लिंग टेबल और इसकी कॉस्ट हमको पड़ी है 2500 रुपए, बट कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिससे आप इसको और भी सस्ते दामों में बनवा लोगे। और इसके जो भी मेजरमेंट है सारे ऑफिशियल है, साथ ही साथ जो एल्बो पैड है वो भी आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा एल्बो पैड बना हुआ है, आप इसको खा भी सकते हो अगर भूख लगी हो तो। और अगर आप नोटिस करोगे तो टेबल के दोनों साइड एक ऐसा पुलटी, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ऐसा बना हुआ है जिससे इसका यूज क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब इस टेबल को हमने 3 स्टेप में बनाया है, फ्रेम, टेबल टॉप और एल्बो पैड। अब देखो भाई, फ्रेम बनाने के 2 तरीके हैं, पहला जो हमने यूज किया, दूसरा जो हमारे दिमाग में बाद में आया और वो एक बेटर तरीका है। भाई ये फ्रेम बनाने के लिए हमने 1 इंच वाली स्क्वायर पाइप यूज की है और ये 3 क्वालिटी में आती है, पहला बहुत मोटी, दूसरा बहुत पतली और हम मिडिल क्लास हैं। अब ये पूरा फ्रेम बनाने में आपको 20 फीट पाइप की जरूरत पड़ेगी और ये पाइप बिकती है ना, ये किलो के हिसाब से बिकती है, जहाँ फीट के हिसाब से बिक रही है, जहाँ फुट के हिसाब से बिक रही हो वहाँ से आप लोग मत लेना वरना बहुत महंगी पड़ जाएगी। और साथ ही साथ ये वाली जो पाइप है, ये पाइप हमने कबाड़ वाले भैया से ली थी, इसकी कॉस्ट पड़ी थी हमें 20 रुपये। इसके ऊपर हमने एमसील यूज़ किया है, एमसील हमारा 20 रुपये का था। बात करें इसको बनवाना कैसे, तो अगर अपने से बनवाओगे आप तो कॉस्ट थोड़ी कम आएगी क्योंकि हमने इसको अपने से पूरा फ्रेम बिल्ड करवाया था भैया को बता बता के, तो भैया ने हमसे 300 रुपये लिए थे। अगर आप बोल दोगे कि आप बना देना तब बना ही देंगे अच्छे से, सो आप समझो, ठीक है। ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है ये एच बना हुआ है, ठीक है, और ये एच के लिए आपका मेजरमेंट क्या होगा, 26 सेंटीमीटर और बीच में 36 सेंटीमीटर। अब ये 36 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का है, मतलब ये पाइप जो है ये 34 सेंटीमीटर काटी गई है, 1 इंच ये बढ़ गया है और 1 इंच ये बढ़ गया है, ठीक है। आपको 26 सेंटीमीटर की 4 पाइप लगेगी, 1, 2, 3, 4। 36 सेंटीमीटर का आपको 1, 2, 3 पाइप लगेगी और इसकी जो मतलब हाइट है ये है 105 सेंटीमीटर। अब ये जो बीच में सपोर्ट दिया गया हुआ है ना, इस सपोर्ट को आप जिस हिसाब से दोगे, मतलब वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस हिसाब से सपोर्ट देना है, हमने इस हिसाब से सपोर्ट दिया उसके पीछे एक रीज़न है, और अगर आप लोग इस हिसाब से सपोर्ट दोगे तो उसके पीछे भी एक रीज़न होना चाहिए। और ये हमारा एक स्कैन मेजरमेंट करके बताता हूँ, और ये 7 इंच के 2 सपोर्ट हैं और ये टेबल के ऊपर से 6 इंच के रहेंगे, ये 1 इंच इसका मतलब टेबल टॉप के अंदर हो जाएगा। और ये जो इसकी पूरी हाइट है ना ये 103 सेंटीमीटर है, टेबल टॉप रखने के बाद टोटल हाइट 105 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमारा टोटल कॉस्ट है 1631 रुपए प्लस 50 रुपए प्राइमर के, ताकि इसमें जंग ना लगे, बट अगर हम अपना दूसरा तरीका यूज करते तो 1000 के अंदर ही पूरा सेटअप हो जाता, टेबल एक ऑफिशियल मॉडल जैसे बनती, जैसे उसमें क्या होता है कि इधर एल लगा हुआ होता है और इधर राउंड वाली पाइप लगी होती है, नीचे स्क्वायर वाली पाइप लगी होती है। सो ये पूरी पाइप आप कलेक्ट करते हैं कबाड़ से, कबाड़ से अगर आप क्या बोलते हैं येल वाली पाइप एंगल कलेक्ट करते हैं तो 2 इंच का एंगल आपको पूरा लगता 8 किलो और उसकी कॉस्ट आती 500, क्योंकि 50 रुपये किलो मिलता है, कहीं कहीं 40 रुपये किलो मिलता है, मतलब हमारे गांव में तो 40 रुपये किलो मिलता है, मैक्सिमम मान लेते हैं 50 रुपये किलो मिलता है, तो 10 किलो का आपका कॉस्ट आता 500 रुपये, ठीक है। जो पाइप रहती राउंड वाली वो अगर आप मतलब 2 इंच वाली पाइप यूज़ करते तो उसकी कॉस्ट आ जाती है आपको, मतलब एक पाइप पड़ती 1.5 किलो की पड़ती है, अगर 4 पाइप रहती तो 1.5 किलो के हिसाब से 4 पाइप का हो गया आपका 6 किलो, ठीक है। 6 किलो की कॉस्ट आती है आपको, 6×5=30, 800 रुपये हो गए। और जो मतलब क्या बोलते हैं एच रहता तो एच की कॉस्ट आती है आपको, मतलब ये मैं मैक्सिमम कॉस्ट बता रहा हूँ, मतलब इससे उड़ के ज़्यादा ऊपर जाएगी ही नहीं, 40 रुपये किलो आयरन है, मैं 50 रुपये का हिसाब रेट लगा रहा हूँ। और जो मतलब नीचे एच बनता वो थोड़ा आप वजन बनाते तो उसका मतलब आपका कॉस्ट जाता नियर अबाउट मतलब 400 रुपये, तो 1100 रुपये आपका उड़ उड़ के जाते तब जाता, और वही मतलब 300 रुपये बनवाई, 1400 रुपये में आपका पूरा फ्रेम रेडी हो जाता है, वो भी एक ऑफिशियल मॉडल। और आप चाहो तो उसको डिसमेंटल वाली भी बनवा सकते हो, जो आप 2 इंच वाली पाइप यहाँ पे लगाओगे राउंड वाली, उससे छोटी जो पाइप आती है 1.75 की, 1.25 या 1.5 के लिए मत जाना, 1.75 की अगर पाइप मिलेगी तो क्या करना कि जो नीचे एच होगा भाई वहाँ पे 4 छोटे छोटे मतलब इतने बड़े बड़े पीस लगवा देना आप लोग, और ऊपर की साइड भी 4 पीस आप लगवा दोगे, फिर बस सिंपली ऐसे उठाया और उठा के रख दिया, हो गया काम खत्म। और ये है हमारा टॉप और इसको हमने पल्ले से बनवाया है, क्योंकि अगर आप 1 इंच की 36x26 की प्लाई लेने जाओगे तो वो आपको 1200-1300 रुपये की पड़ जाएगी और इसकी कॉस्ट हमको पड़ी थी 600 रुपये। पल्ला हमारे पास पहले से था और साथ ही साथ आप लोग नोटिस कर रहे होगे कि मैंने बताया था ना भाई मैंने ये लंबा वाला सपोर्ट दिया है, क्योंकि हमारा जो पटरा लगा हुआ है वो इस डायरेक्शन में लगाया है, अगर हमारा पटरा इस डायरेक्शन में लगा हुआ होता तो ये लकड़ी का सपोर्ट ऐसे रहता और ये वाला जो सपोर्ट था वो ऐसे रहता, ठीक है। ये सिंपली हमको कुछ नहीं करना था, बस सिंपली हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और
लकड़ी जो यहाँ पे लगी है ना, इसको इतना मतलब छोटा मत करवा दीजिएगा कि ये पूरा अपने आप अंदर घुस जाए। इसको ऐसे मारो तब अंदर घुसे, ताकि आर्म रेस्लिंग करते टाइम पोचर पोचर ना हो। भाई 600 रुपए इसकी टोटल कॉस्टिंग है, यानी अगर आप पल्ला बाई करके बनवाओगे तब 600 रुपए पड़ेगा आपको। हमारे पास पल्ला पहले से था तो इसकी कॉस्ट भैया ने बोली थी 300 रुपए, बाद में भैया ने बोला कि भाई 100 रुपए और दे दो, तो 400 रुपए इसकी टोटल कॉस्ट पड़ी। अगर आप पल्ला बाई करोगे तो वही 300-400 रुपए और बढ़ जाएंगे। और आप जो पल्ला यूज़ करोगे, आई रिकमेंड कि आप या तो शीशम का पल्ला यूज़ करना, या फिर आम का पल्ला यूज़ करना, या फिर बबूल का। हमने नीम का पल्ला यूज़ किया है, ये स्ट्रॉन्ग होता है बट ओवर द टाइम इसमें थोड़े थोड़े क्रैक्स आते हैं, जो कि मतलब क्या बोलते हैं, आने वाले 2-3 सालों में उतना अच्छा नहीं रह जाता। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा ना, तो आप एक काम करना कि जब भैया इसको ग्राइंड कर रहे हो ना, उसी टाइम ये जो बीच बीच में फेविकोल डाल देना, तो जो ग्राइंड करेंगे तो जो उसके डस्ट होगा ना, सॉ डस्ट उसको बोलते हैं, तो सॉ डस्ट इसमें भर जाएगी और फिर ये मतलब ऐसे लगेगा कि पूरा एक जॉइंट है। और जो बाकी के बड़े बड़े छेद रहेंगे उसको आपको खुद ही भरना पड़ेगा सॉ डस्ट से, फेविकोल और सॉ डस्ट को मिलाना और भर देना, ठीक है। उससे क्या होगा कि इसके अंदर मिट्टी कलेक्ट नहीं होगी, और जब मिट्टी कलेक्ट नहीं होगी तो इसमें दीमक नहीं लगेगी। और फिर हमने इसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ किया, और उसके बाद इसमें हमने पॉलिश के लिए क्या किया कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मतलब कड़ू का तेल या फिर सरसों का तेल, वो यूज़ किया, तो ये एकदम मतलब देख रहे हो चमक रहा है। अब बात करते हैं एल्बो पैड और पिन पैड की। पिन पैड बनाते टाइम हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक आप लोग रिपीट मत करना। सो सीन क्या है भाई कि जो एल्बो पैड की हाइट और मेजरमेंट है, सो 7x7 का ये रहता है और 2 इंच इसकी हाइट रहती है। और बात करें पिन पैड की तो 12x2 का ये रहता है, 4 इंच की इसकी हाइट रहती है, और इसका जो कील लगाने वाला प्लेस है वो इसके 1 इंच इधर रहता है और 1 इंच इधर रहता है, बट हमने 2.5 इंच इधर कर दिया था, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब हम लगाते हैं ना तो ये ऐसे लगता है, ठीक है, ऐसे लगता है, और एक्चुअल में इसको ऐसे लगना चाहिए, मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे, बट कोई दिक्कत नहीं। ये गलती इसलिए हुई क्योंकि YouTube पे Google पे बहुत ही अलग अलग मेजरमेंट है भाई, कहीं पे बोल रहा था ये 10 इंच का ही होता है, कहीं पे बोल रहे थे 8 इंच का ही होता है। सो हमने क्या किया कि हमने 12 इंच वाला मेजरमेंट तो लिया, बट ये जो छेद कराने का तरीका है थोड़ा कैजुअल कर दिया हमने किसी दूसरे की वीडियो देख के। सो अगर आप लोग टेबल बनवा रहे हो तो किसी एक बंदे की वीडियो देखो, या फिर सबकी वीडियो देखो, बट जो मेजरमेंट लो वो एक ही वीडियो से लो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, ठीक है। जैसे कि मेरे ऊपर तो बहुत ट्रस्ट होगा, मैं बहुत ट्रस्ट वर्दी इंसान हूँ भाई। अब ये एल्बो पैड और पिन पैड हमको 300 रुपए का पड़ा था, बट ज़्यादा लोगों को यही सबसे महंगा पड़ता है क्योंकि इसके अंदर जो फोम यूज होता है ना, वो एक हाई क्वालिटी का फोम यूज होता है, और वो कट पीस में नहीं देते जल्दी लोग, वो पूरा एक मतलब स्टैक आता है जो 700 रुपए का पड़ता है, और इतना मतलब कौन यूज़ करेगा भाई एक छोटे से काम के लिए। तो लोग क्या करते हैं कि कोई नॉर्मल सा ही फोम यूज कर लेते हैं, जिससे उनके पिन पैड ना छोटे छोटे बनते हैं। बट हमने क्या किया कि हम कबाड़ा वाले भैया के पास गए और उनसे बोला कि भैया जो बाइक के सीट के फोम होते हैं ना, वो आप हमको दे दो, पूरा बाइक का सीट नहीं लेना, महंगा पड़ेगा। बाइक के सीट का फोम हमने 2 फोम लिए थे और वो हमको पड़ा 100 रुपए का, ठीक है। और उसका जो फोम होता है आप देख सकते हो, जब इंसान बैठ जाता है तब नहीं पचकता, तो ये हाथ रखने पे क्या पचकेगा। अब बात करें इसके ऊपर जो रेक्सिन का कपड़ा लगा है, वो भी इजीली नहीं मिलता, इसमें 1 मीटर रेक्सिन का कपड़ा लगेगा ही, और जो नॉर्मल दुकान होते हैं, देखो आप पहले बात कर लेना जो आपका एल्बो पैड बना रहे हैं, अगर वही रेक्सिन का कपड़ा दे दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करो कि आप कहीं मेन मार्केट में चले जाओ, वहां से 1 मीटर रेक्सिन का कपड़ा ले लो, 1 मीटर में आपका पूरा हो जाएगा। आप एक काम करना, मतलब 1.5 मीटर ले लेना, ठीक है, 150 से 200 रुपये मीटर तक आता है। आई रिकमेंड कि यहाँ पर आप लोग रेक्सिन यूज़ करना, और ये जो है ये वाला पार्ट यहाँ पे आप वेलवेट यूज करो, जैसे इसमें वेलवेट यूज हुआ है, क्योंकि अगर आप रेक्सिन यूज करोगे ना तो रेक्सिन बहुत जल्दी गर्म, मतलब कंपेयर टू वेलवेट रेक्सिन जल्दी गर्म हो जाती है, और वहाँ पे आपकी एल्बो कट जाएगी, जिस वजह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी। बात करते हैं टेबल में होल्स कहाँ कहाँ करवाने हैं, तो सबसे पहले आपको एल्बो पैड और पिन पैड बनवा लेना है। तो एल्बो पैड में ये जो आयरन लगा है ये 1 इंच इस तरफ से अंदर और 2 इंच इस तरफ से अंदर लगा है, सेम इसका भी है, और इसके जो होल्स होंगे वो टेबल के बिल्कुल सेंटर में, ये 3 इंच यहाँ से अंदर और उसके बाद 5 इंच यहाँ से अंदर। सो आप इसको इजीली इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, सेम सामने वाले भी एकदम मतलब इसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट वहाँ पे होगा। पिन पैड की बात करते हैं, तो पिन पैड में क्या होगा भाई कि यहाँ पे आपका 1 इंच अंदर इधर से रहेगा और 1 इंच अंदर इधर से रहेगा। हमने 2.5 इंच किया है इसलिए हमारी थोड़ी मेजरमेंट गड़बड़ हुई है, बट आपको क्या करना है कि यहाँ से 4 इंच अंदर एक होल करवाना है, ठीक है, और इधर से भी 4 इंच अंदर 2 होल करवाने हैं, ठीक है, और फिर मेजरमेंट करना है। मतलब एक काम कर सकते हो आप कि यहाँ से 1 इंच अंदर ये रहता है, ठीक है, 1 इंच अंदर ये रहता है, और वहाँ से 4 इंच अंदर 2 होल्स रहते हैं, एकदम सेंटर में नहीं रहते, बट आप यहाँ से 4 इंच मेजर कर लेना, और सेम इधर से भी आप 4 इंच मेजर करके एक लाइन खींच लेना, और उसके बाद आप ऐसे ना ये देखो एंगल्स मिलाना, जहाँ से मतलब आपका ये दोनों मतलब 1 इंच इधर निकला रहेगा 1 इंच इधर निकला रहेगा, वो परफेक्ट हो जाएगा कि 4 इंच इधर भी आ रहा है 4 इंच इधर भी आ रहा है, ठीक है,
तो वो हो जाएगा आपका एंगल जहाँ पे आपको मतलब होल्स करवाने हैं। या फिर आप एक काम करो, एग्जैक्टली मेरा कॉपी कर लो, ये 2.5 इंच मैंने अंदर किया है, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा उससे आपको। तो इसका क्या मेजरमेंट है, ये यहाँ से 3 इंच अंदर आता है इसका पैड, और इधर से इसका 3 इंच अंदर आता है, ठीक है, और 2.5 इंच अंदर इसका ये है, और इसके होल्स ऐसे होते हैं। सो ये हो गया आपका सिंपल होल का रूटीन। और हाँ, हमने ये स्ट्रैप भी बनाया है 5 रुपए का, और इसकी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अब बात करते हैं इसकी टोटल कॉस्ट की, और बनवाना किससे है। ऑन अ परफेक्ट डे इसकी टोटल कॉस्ट आती 2550 रुपए, पर सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती भाई। जैसे कि हमारे आसपास के कारीगर वो ज्यादा पैसे ले रहे थे, और साथ ही साथ बात सही से सुन नहीं रहे थे। तो अब किसी के पास भी बनवाने जाओ, वो आपकी बात समझ सके कि हाँ देखो ऐसे ऐसे करना है, साथ ही साथ वो एक्सपीरियंस भी हो, आप अगल बगल पता कर सकते हो। तो एक्सपीरियंस के चक्कर में हम यहाँ से अपने घर से 2 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे, और वही ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में मतलब टोटल 2900 रुपए हमारा खर्चा बैठ गया। भैया के पास हीटेक्स नहीं था, तो हीटेक्स हमने ही लाके दिया था, सो उसके पैसे 100 रुपए लगे थे। सो 2900 रुपए मतलब टोटल 3000 रुपए के अंदर आपकी टेबल बन जाएगी। आप जिससे भी टेबल बनवाओ वो आपकी बात सुने, क्योंकि मेजरमेंट आपके होंगे, हाथ उनके चलेंगे, उनका एक्सपीरियंस होगा कैसे क्या बनाना है। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आपको हेल्प करे। ये नहीं कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना यार ऐसे नहीं हो रहा था, ऐसे कर देंगे तो बन जाएगा, ऐसे पैसे नहीं चलता भाई। सो ये रही हमारी लॉन्ग वीडियो। थैंक यू सो मच अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो, और ड्रॉप अ लाइक, ऐसे नहीं ये मत करना, ये ठीक है ठीक है भाई। और कुछ भी कमी हो तो कमेंट में आप लोग बता देना। मिलते हैं कल राधे राधे, अभी मैं ये एडिट करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ जाए। जय श्री राम।